हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी दोस्तों। फ़ोन एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दुनिया फेस कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ोन यूसेज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको अपने फ़ोन्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसे फाइट भी करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं कैसे। दोस्तों, ये कैसे कर सकते हैं हम, इसका सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। हम इसे फाइट करने के लिए कुछ ऐसे टूल्स या ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे फ़ोन में ही हैं, जो हमें हमारे फ़ोन यूसेज में ज़्यादा इंटेंशनल बनाने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही पांच ऐप्स या टूल्स देखेंगे इस वीडियो में जो हमारे फ़ोन में ही हैं, जो अल्टीमेटली हमारे फ़ोन यूसेज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और हमारे फ़ोन एडिक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ऐप, योर आर। इस ऐप की ये खास बात है कि ये हमारे फ़ोन यूसेज को टाइम करता है और ये भी दिखाता है हमने कितने बार फोन को एक दिन में अनलॉक किया है। जब भी हम फोन को ओपन करते हैं, हमारे लॉक स्क्रीन में इसका एक नोटिफिकेशन हमेशा रहता है जो हमें दिखाता है कि आज तुमने इतने टाइम को फोन यूज किया है और इतने बार अनलॉक किया है। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल चीज है, क्योंकि जब भी हम फोन खोलते हैं, जब हमें ये सामने दिखता है, हमारे सामने ये नोटिफिकेशन, हमें एक रिमाइंडर मिल जाता है कि यार, मैंने तो फोन यूसेज कंट्रोल करने का ठान लिया था ना, ये मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे फ़ोन वापस रख देना चाहिए। क्योंकि पॉइंट ये कि हमारा ब्रेन थोड़ा मंकी ब्रेन जैसा है, उसे इधर उधर कूदने में बहुत पसंद है, इधर उधर जाने में, वो हमेशा स्टेबल नहीं रहता, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। पर जब भी हमें ऐसे एक रिमाइंडर्स मिलते हैं या फिर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन या एक्सटर्नली कुछ मिलता है हमें, तो हमें समझ में आता है और हमारा टाइम मिलता है हमारे मंकी माइंड को सोचने को और अच्छे से डिसीजन लेने को। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, आप सभी को डाउनलोड कर लेना चाहिए। योर आर ये प्ले स्टोर में है, पर ऐप स्टोर या आईफोन्स के लिए भी कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो ऐसे ये एग्जैक्ट काम करते हैं। तो पॉइंट ये है कि ऐसा कोई टाइमर वाला ऐप ढूंढिए जो आपके फ़ोन यूसेज को टाइम करता है और हर एक स्पेसिफिक ऐप को भी टाइम करता है, ताकि आपको पता चले और एनालाइज कर सके आपकी मैं कितने घंटे बिताता हूँ फ़ोन में हर रोज़ और हर हफ्ते। और एक और ख़ास बात इस ऐप की ये है दोस्तों कि इसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमें बैजेस से रिवॉर्ड करते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चैलेंजेस हमें मोटिवेट करते हैं हमारे फोन यूसेज को कम करने में। ऐसे चैलेंजेस रहते हैं जैसे एक वीक में 11 घंटे फोन यूसेज, ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं। ऐसे चैलेंजेस अगर आप जीतेंगे तो आपको बैजेस मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा कोई ऐप जरूर आपके फोन में रहना चाहिए अगर आपको कंट्रोल लाना है आपके फोन यूसेज में। तो दूसरा ऐप, ब्लॉक साइट, योर स्लाइस, या कोई भी ऐसा ऐप जो ऐप्स को ब्लॉक करता है। इस ऐप की या इन कैटेगरी ऑफ ऐप्स की ये खासियत है कि ये कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप को हमारे फ़ोन में से ब्लॉक करता है, डिलीट नहीं करता पर ब्लॉक कर देता है, हमें यूज़ करने नहीं देता। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें ऐसा कोई ऐप है हमारे फ़ोन में जिसके ऊपर हमें कंट्रोल नहीं है, हम बार बार उसे ही क्लिक कर देते हैं, दो मिनट का फ्री टाइम मिला तो भी उसे ओपन करके देखने लग जाते, तो ये उसे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ये ऐप उस ऐप को ब्लॉक ही कर देगा सीधा। तो ये इस बेसिस पे चलता है कि हमारे माइंड को ये रेजिस्टेंस देता है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के लिए हमारे माइंड के पास रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत इजीली वो चीज़ हो सकता है, तो हमारा मंकी माइंड वो ज़रूर करेगा। जैसे कोई भी ब्लॉकेड आए हमारे रास्ते में जब हम कुछ करने जा रहे हैं, तो हमारे ब्रेन को टाइम मिलता है सोचने को, और वो 2 या 5 सेकेंड का टाइम भी काफ़ी है ब्रेन को सोचने को। तो इस केस में वो ऐप हमारे दूसरे ऐप्स को ब्लॉक कर देता है ताकि हमें और रेजिस्टेंस मिले और हम ज़्यादा कंट्रोल में रहे उन ऐप यूसेजेस में। और एक और ख़ास बात है इन ऐप्स की कि ये हमें शेड्यूल भी करने देता है जब ये ऐप्स अनब्लॉक्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टाइमिंग रखते हो सपोज़ 4 PM to 5 PM शाम में, कि तभी मैं इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप देख सकता हूँ, तो उस टाइम पे वो अनब्लॉक हो जाता है। तो इससे आप एक ब्लॉक और अनब्लॉक शेड्यूल भी क्रिएट कर सकते हो अपने ऐप्स के लिए, जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, मैंने भी ये यूज़ किया है, अभी भी मेरे फ़ोन्स में है, आपको भी बहुत हेल्प करेगा, आपके फ़ोन्स में भी रहना ही चाहिए अगर आपको कंट्रोल लाना है तो। तीसरा ऐप, DFTube। इसे मैं एक ऐप नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक्चुअली एक क्रोम एक्सटेंशन है, यानी क्रोम ब्राउज़र जो हमारे लैपटॉप्स और पीसी में रहता है उसमें ये डाउनलोड किया जा सकता है। इसका पॉइंट ये है कि ये हमारे डेस्कटॉप यूसेज को भी हेल्प करता है कंट्रोल करने में, हमारे डेस्कटॉप में जो सोशल मीडिया ऐप्स या यूट्यूब देखने में भी हमारा कंट्रोल लेके आता है। दोस्तों, एक चीज़ है यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स के बारे में, वो ये है कि उनमें हमेशा सब ऐप्स में रिकमेंडेड पेज
पेज रहता है जिसमें ढेर सारे वीडियोस भरे रहते हैं जो हमारे प्रीवियस लाइकिंग्स या हमारे प्रीवियस वीडियो प्रेफरेंसेस पे बेस्ड रहता है, और वही प्रॉब्लम है क्योंकि वो हमें ट्रैप कर देता है। जैसे आपके साथ भी ये हुआ रहेगा, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार कि मैं ऐसे फ्री टाइम रहता है या ब्रेक टाइम रहता है और मैं सोचता हूँ चलो कोई एक वीडियो देख लेते हैं, ऐसा कोई अच्छा वीडियो देखते हैं, तो ऐसे क्लिक करता हूँ वो वीडियो हो गया ठीक है, और इधर साइड में रिकमेंडेड आ जाता है यूट्यूब में जिसमें ढेर सारे और वीडियोस रहते हैं, तो हम वो वीडियो के बाद दूसरा वीडियो क्लिक करते हैं, एक और वीडियो क्लिक करते हैं, फिर एक और वीडियो क्लिक करते हैं, ऐसे वो वीडियोस का काउंट बढ़ते ही जाता है, हम एक वीडियो में कभी नहीं रुकते। वही प्रॉब्लम है क्योंकि मोस्टली तो ये रिकमेंडेशंस पेज और एल्गोरिदम का काम है जो हमें ट्रैप कर रहा है, तो ये DF ट्यूब वही एग्जैक्ट चीज़ को बंद कर देता है। जैसे जब आप DF ट्यूब ये पर्टिकुलर क्रोम एक्सटेंशन ऑन करते हो अपने PC या लैपटॉप के क्रोम में, तो आप जब भी यूट्यूब खोलोगे आपका रिकमेंडेड पेज गायब ही हो जाएगा, सिर्फ आपको एक सर्च बार मिलेगा टॉप में ताकि आप खुद ढूंढ सको आपको कौन सा वीडियो देखना है। इस वजह से हम बहुत इंटेंशनल बन जाते हैं हमारे यूट्यूब यूसेज में और हम एल्गोरिदम के शिकार नहीं बनते। तो अगर आप भी कभी कभी यूट्यूब में मेरे जैसे टाइम स्पेंड कर लेते हो लैपटॉप में या PC में क्रोम ब्राउजर में, तो आपके पास भी ये रहना ही चाहिए ताकि वो आपको ज़्यादा इंटेंशनल बना सके यूट्यूब यूसेज में। चौथा ऐप, फॉरेस्ट ऐप या टाइड ऐप या कोई भी टाइमर ऐप। आप सोच रहे होंगे टाइमर ऐप का क्या यूज़ है, मैं अभी बताता हूँ। तो टाइमर ऐप्स हमें हमारे दिन में स्ट्रक्चर लेके आने में हेल्प करता है और स्पेसिफिकली हमारे वर्किंग आवर्स में हमें स्ट्रक्चर लेके आने में हेल्प करता है। टाइमर ऐप्स में हम हमारा वर्क टाइम सेट करते हैं, फिर उसके बाद एक ब्रेक टाइम सेट करते हैं, और उसी सेम साइकिल कितने बार रिपीट होना चाहिए वो भी सेट करते हैं। जैसे सपोज हमने 1 आवर का वर्क टाइम डाला और 10 मिनट्स का ब्रेक टाइम डाला, तो हर बार वो 1 आवर के टाइम के बाद या 1 आवर का वो टाइमर दिखाता है हमें, वर्क टाइमर, उसके बाद वो हमें रिंग करता है और हमें बताता है कि अभी ब्रेक है, और सपोज 10 मिनट के ब्रेक के बाद वो वापस रिंग करता है और बोलता है कि अभी वापस काम करने की बारी है। ऐसे वो जितने बार हमने साइकिल सेट किए उतने बार बजता रहता है, तो ये हमें ज़्यादा अच्छे से वर्क भी करने को देता है और उस टाइम में वो उस बाकी ऐप्स और फ़ोन को भी यूसेज कम कर देता है या ब्लॉक कर देता है ताकि हम ज़्यादा अपने काम पे फोकस कर सके। ये हमारे फ़ोन यूसेज में रेजिस्टेंस लेके आता है और हमें काम में फोकस करने में हेल्प करता है। दोस्तों फॉरेस्ट और टाइड दोनों एक ही जैसे, दोनों का यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है पर दोनों एक ही जैसे, इसलिए आप कौन से भी टाइमर आपके साथ जा सकते हो। फॉरेस्ट ऐप की ये एक खास बात है कि जब भी आप फ़ोन में टाइमर ऑन करते हो आपके फ़ोन में एक वर्चुअल ट्री उगता है। जी हाँ, एक ट्री उगता है और आपका खुद का एक वर्चुअल फॉरेस्ट भी रहता है। अगर आप बीच में ही फ़ोन को उस ऐप को बंद कर देते हो और फ़ोन यूज़ करना चालू कर देते हो तो वो ट्री उगने से पहले ही मर जाता है। तो ऐसे ये एक छोटा फन गेम जैसा भी है, आप ट्राई कर सकते हैं इसे। तो पॉइंट ये है कि कोई भी एक टाइमर ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसे एक ट्राई करके देखिए, बहुत काम का आता है। पाँचवा और आखिरी ऐप, कोई भी कैलेंडर ऐप जो आजकल बहुत सारे फ़ोन्स में है, एंड्रॉयड फ़ोन्स में गूगल कैलेंडर है और आईफोन्स में भी कैलेंडर ऐप है आई सपोज। ये कैलेंडर ऐप हमें हमारे डे को प्लान करने और स्ट्रक्चर करने में बहुत हेल्प करता है। इससे हम टाइम ब्लॉकिंग नाम का एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम ब्लॉकिंग पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, पर इस वीडियो में आपको बोल देता हूं टाइम ब्लॉकिंग बेसिकली होता क्या है। टाइम ब्लॉकिंग में आप दिन के हर एक घंटे को स्ट्रक्चर करते हो। ये टू डू लिस्ट से थोड़ा डिफरेंट है और एक लेवल बेटर है क्योंकि इसमें आपको दिन में हर एक आर का पता रहता है कि इस घंटे में मैं क्या करूंगा, इवन इफ वो ब्रेक है। ब्रेक को भी हम स्ट्रक्चर करते हैं पूरे दिन में इस फोटो के जैसा। इस फोटो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कैसे टाइम ब्लॉकिंग काम करता है। तो हम इस टाइम ब्लॉकिंग को बहुत ही आसानी से कोई भी कैलेंडर ऐप में कर सकते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कैलेंडर ऐप भी आपके फोन में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल रहता है मोस्ट केसेस में। अगर नहीं है तो इंस्टॉल कीजिए और ट्राई करके देखिए, बहुत काम आता है। तो दोस्तों ये थे वो 5 ऐप्स या टूल्स जो हमारे फ़ोन यूसेज में कंट्रोल लेके आने में हेल्प करता है और प्लस एज अ बोनस हमें प्रोडक्टिव और एफिशिएंट भी बनाता है। ये ऐप्स बहुत काम के हैं। आजकल हमें सबको पता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे केसेस में हमें एडिक्ट करके रखा है। एक तरफ ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जो हमें एडिक्ट करते हैं और दूसरे तरफ
अगर हम थोड़ा सा खुद को ओपन रखें और देखें, एक्सप्लोर करें, तो हमें ऐसे भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्टिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से छुटकारा पाने में भी हेल्प करते, उनके एडिक्शन से दूर भागने में हेल्प करते। दोस्तों, इस एग्जैक्ट टॉपिक पे मैंने एक ट्विटर पे थ्रेड भी लिखा था। अगर आप मेरे को ट्विटर में फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ फॉलो कीजिए @काशीराज ऋषि। मैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा कॉन्टेंट डालता हूँ, वैल्यू एडिंग कॉन्टेंट। तो अगर आपको ट्विटर यूज़ करना पसंद है तो मुझे भी फॉलो कीजिए। तो यही था मेरे पास आपके लिए इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए टेक केयर। अगले वीडियो में मिलता हूँ।